अब नाज़रीन टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद। सीवान में रविवार को पासवान एकता मंच और राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा संयुक्त रूप से टाउन हॉल में सामाजिक न्याय के प्रणोत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की 105वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से भारी संख्या में लोग जाने बाजे के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अति विशिष्ट अतिथि तथा रजत नेत्री हीना साहब, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव तथा रजत जिलाध्यक्ष परमात्मा राम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रमा पासवान तथा संचालन सिपाही मांझी द्वारा की गई। इस अवसर पर हीना साहब ने कहा कि शास्त्री जी सात जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने वाले राजनेता थे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। वही पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और जिलाध्यक्ष परमात्मा राम ने कहा कि हमें भोला बाबू के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले में मुख्य रूप से पासवान एकता मंच के संस्थापक राम नरेश राम, डॉक्टर अर्चना शंकर, महादेव पासवान, आरती राम, रेणु यादव, श्रीराम उर्फ कविजी, नंदकिशोर मांझी, सिंहासन मांझी, अमित कुमार अमन, अवध लाल मांझी तथा डॉक्टर सत्येंद्र सहित कई लोग रहे। पासवान जी की शास्त्री जी की आज जयंती है। जिन्होंने बिहार को तीन बार उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिला, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत अमन पसंद थे, विकास की बातें करते थे, आपस में भाईचारगी की बातें करते थे और उनके जीवन से मैं चाहती हूँ उनके सरलता स्वभाव में जोड़ के सभी सिवान जिला के वासियों के आपस में उनकी जीवनी से प्रेरणा ले, यही हमारी शुभकामना। अभी के समय में देखा जाए तो उन्होंने जब मंत्री थे तो उन्होंने विकास करके एक अलग पहचान बनाई। आज के समय में क्या देखना चाहेंगे जो अभी विकास हो रहा है और समाज में कैसे बदलाव? अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भोला जी की जीवनी पर ही फोकस डालेंगे और कोई बात नहीं। नाज़रीन ये थे आज के खबरें और तेलुगु उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो, पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉगिन हो सकते हैं लाइव में www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर टीवी 11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन मैं हूं सैयद हबीब, अब मुझे जी दी इजाजत, खुदा हाफिज। हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए।